अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रंगे ज़िंदगी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशपाश होंगे। अल्लाह हम सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च गोश्त। बहुत ही ज़बरदस्त सा और बहुत ही आसान सी रेसिपी। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं और रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक टुकड़ा लेंगे दालचीनी का, 2 अदद हमने लौंग लेनी है, 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लेना है, 1 हमने कड़ी पत्ता यूज़ करना है, 2 अदद हम इलायची यूज़ करेंगे, इससे गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है, 1/2 टेबल स्पून हम नमक का यूज़ करेंगे, 1/2 टेबल स्पून हम हल्दी पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून हम मोटी मिर्च कुटी हुई लेंगे, 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च लेनी है, 2 टेबलस्पून हम धनिया के लेंगे, 2 अदद हमने हरी मिर्चें लेनी है, 1 अदद हमने साबुत हरी मिर्च लेनी है, 1 टीस्पून हम गरम मसाला यूज़ करेंगे, 1 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ करना है, 4 अदद मैंने शिमला मिर्च ली है, इस तरह से मैंने काट ली है क्यूब्स में, 1/2 किलो हम मटन यूज़ करेंगे, इसको मैंने धो के अच्छे तरीके से रखा हुआ है, 1 कप हम टोमेटो पेस्ट लेंगे, टोमेटो पेस्ट की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, 2 अदद हम प्याज लेंगे कटे हुए। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 कप ऑयल ऐड करेंगे एक पैन में। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 अदद कड़ी पत्ते का, 2 अदद लौंग, 1 हमने दालचीनी का टुकड़ा ले लेना है, 1 टीस्पून हमने ज़ीरा और 2 अदद इलायचियाँ। हमने इसको अच्छे से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है ताकि ये मसाला अच्छे से तड़क सा जाए। हमने इसको अच्छे तरीके से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है और गोश्त की जो स्मेल होती है वो मर जाती है। सब्ज़ी वगैरह में अगर गोश्त की स्मेल आ रही हो तो वो अच्छी नहीं लगती। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 अदद कटे हुए प्याज। हमने प्याज को अच्छे तरीके से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। हाँ जी, आप देख सकते हैं प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर 1/2 किलो मटन ऐड कर देंगे। आपने मटन को अच्छे तरीके से 2 मिनट तक लिए फ्राई कर लेना है। 2 मिनट से ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना, वरना गोश्त जो होता है ना वो एंड सा जाता है। आपने हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है ताकि गोश्त की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। आप जब भी सब्ज़ी वगैरह में कोई किसी भी रेसिपी में गोश्त को ऐड करते हैं तो आपने लाजमी गोश्त को अच्छे से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है ताकि जो उसकी स्मेल से जो होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। आपने इसी तरीके से गोश्त को फ्राई करना, बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना वरना वो ऐंठ जाएगा और वो सख्त हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं गोश्त को मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया, इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, जैसे चिकन का कलर चेंज हो जाता है। हाँ जी, अब इस पोजीशन में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और हमने इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। आपने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो गोश्त के अंदर अच्छे से रच जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। हाँ जी, आप ये देख सकते हैं हमने फ्राई कर लिया है अच्छे तरीके से गोश्त को। अब हम इस पोजीशन में इसके अंदर ऐड कर देंगे मसाले, नमक, हल्दी, मोटी मिर्च, सूखा धनिया और लाल मिर्च हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है 1 मिनट के लिए ताकि मसाले जो वो अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए जी, कोई भी रेसिपी आप बनाएंगे, हर चीज़ बनाना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा, मगर आप अगर उसको प्रॉपर वे में और प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो आपके लिए कुकिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से मसाले फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप टोमेटो पेस्ट का। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैंने लिंक ऐड कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। हम इसको 2 मिनट तक के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हाँ जी, 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसके अंदर 1 अदद हरी मिर्च कटी हुई ऐड कर देंगे। मैं अपनी हर रेसिपी में हरी मिर्च ज़रूर ऐड करती हूँ मसाले में फ्राई करते वक्त, इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। हाँ जी, आप ये देख सकते हैं मैंने मसाला बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब हमने इस पोजिशन में इसके अंदर ऐड कर देना है 1 टीस्पून गर्म मसाले का और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने बहुत अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई कर लेनी है, जितना अच्छा मसाला भुना होगा उतना अच्छा टेस्ट हमारे सालन का आएगा। आप ये देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे तरीके से सालन की भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 जग पानी का। हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि पानी जो है वो मसाले के अंदर अच्छे से इक्वल हो जाए। हाँ जी, अब हमने क्या करना है जी, इसको कवर अप कर देना है और 30 मिनट तक के लिए इसको पका लेना है ताकि गोश्त जो अच्छे से गल जाए। आप चाहे तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको कुकर में गला सकते हैं। हाँ जी, 30 मिनट गुजर चुके हैं, आप ये देख सकते हैं जी मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। इस पोजीशन पे हम चेक करेंगे कि हमारा गोश्त गला है कि नहीं गला। जी जनाब, आप ये देख सकते हैं गोश्त कितना ज़बरदस्त तरीके से गल चुका हुआ है। अब हमने क्या करना है जी, इस पोजीशन में हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है शिमला मिर्च। हाँ जी, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे ताकि शिमला मिर्च अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए।
ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मुझे पर्सनली शिमला मिर्च बहुत पसंद है, इवन मुझे सब्जियाँ बहुत पसंद है। मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ अपनी लाइफ में ऐड करूँ। आप लोग भी अपनी खुराक में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ ऐड करें, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। हाँ जी, अब हम इसको कवर अप कर देंगे 10 मिनट के लिए और हम इसको अच्छे से पका लेंगे ताकि जो शिमला मिर्च है वो अच्छे से गल जाए। जी जनाब, 10 मिनट गुजर चुके हैं, आप ये देख सकते हैं शिमला मिर्च हमारी गल चुकी है, इसका कलर ही चेंज हो चुका हुआ है। ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और हमारा शिमला मिर्च गोश्त रेडी है। अब हमने इस पोजीशन में इसके अंदर ऐड कर देनी है हरा धनिया और हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी हुई थी। इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है, मैं हर सालन में ऐड करती हूँ। आप अगर लाइक नहीं करते तो आप बेशक मत ऐड कीजिएगा। हाँ जी, अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त हमारा शिमला मिर्च गोश्त बना है। आप अगर इसको थोड़ा सा पतला रखना चाहते तो आप रख सकते हैं, मगर मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा सा मसाले वाला भुना भुना सा बनाया है। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त हमारा सालन रेडी हुआ है। आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना और मुझे फीडबैक देना है। फीडबैक के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा।